रोल। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी सिंह और इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता ठाकुर शैलेंद्र सिंह। तो शैलेंद्र सिंह क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, तो जो आज आपने कार्य किया है अपनी सोसाइटी के लिए। एक नेता पूरे देश के लिए सोचता है लेकिन सबसे पहले अपनी सोसाइटी के लिए सोचना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप किस तरह से आज क्या कार्यक्रम था जो आपको एक कार्यक्रम आपकी सोसाइटी में रखा गया था, तो किस सोच के साथ क्या था? जी सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा मैं, जो ये कार्यक्रम मैंने रखा है, हम वापस इतना हम बोलते हैं जो पगदाना हमारे भावनगर गुजरात से है, इनमें मेरा बहुत ही अटूट विश्वास है। और बहुत ही मैं सबसे बहुत कोई कार्य करने के पहले, कोई अच्छा काम करने के पहले या मेरे पे कोई दुख संकट में, बापा में मेरा बहुत विश्वास है। बापा को बहुत मैं तहे दिल से बहुत चाहता हूँ और मेरे सब कुछ समझ लीजिए, मेरे वेलविशर, मेरे गॉडफादर सब बापा है। कोई मेरे नया कार्य करना है तो मैं उनसे पूछ के रहता हूँ। तो जब भी मैं ये भावनगर की तरफ जब भी जाता हूँ मैं, तो वहाँ ये मड़ोली बोलते हैं जिसको, वो घर के बाहर बनाते हैं, बापा की तस्वीर रखते हैं, बापा को पूजा करते हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा हमेशा मन में आता था कि ये हमारे ये प्रीमाइसिस में ये चीज़ हो, और वही दीवार मुझे हमेशा मेरे समझिए दिमाग में, ख्वाब में मेरे वो चलता था। तो आज मुझे ईश्वर ने वो मौका दिया और वो मेरा जो सपना था वो सत्य हो गया, और मैंने यहाँ आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा, जो हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, उनकी फ़ोटो लगा के, और ऐसा भी है कि इनकी मूर्ति में नहीं है, बापा का ऐसा जब बापा बोल के गए कि मैं मूर्तियों में नहीं आऊँगा, मैं फ़ोटो में आऊँगा कभी भी आऊँगा, तो उनकी फ़ोटो की प्राण प्रतिष्ठा की गई है इधर, और लोगों में काफ़ी हर्ष उल्लास है, बड़े बुजुर्ग में, लड़कों में, बच्चों में, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो ये मेरे एक दिलो दिमाग में हमेशा से चलता आता था, जिस चीज की मैंने आज स्थापना की है। तो आप जिस तरह से स्थापना की है, तो यहाँ पर आपके अलावा और कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, कौन आपके सपोर्ट के लिए इस खास मौके के लिए कौन यहाँ पर मौजूद थे? ये इसमें समझ लीजिए हर वर्ग के लोग थे, मैं आपको बोल सकता हूँ, हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी मुझे सपोर्ट किया, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के सब लोगों ने काम किया है, और इसमें सबका हाथ है, सिर्फ मैं मुझसे ये काम हुआ है ऐसा भी कुछ नहीं है। लोगों को बहुत विश्वास है बापा में, उनको मानने वाले लोग यहाँ हैं, मौजूद हैं लोग, आप देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सब ब्लेसिंग्स ले रहे हैं बापा की। इसमें मैं यही चीज़ बोलूँगी, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, और ये हिंदुत्व जो हम बोलते हैं, हमारे एकदम गॉडफादर हैं वो, इतने अच्छे से हम लोगों ने ये कार्यक्रम को संपन्न भी किया। मगर जो हमारा ये वार्ड लगता है, वार्ड नंबर 13, आज कॉरपोरेशन को क्या एकाएक दिक्कत आ गई, शाम में उन्होंने हमको नोटिस भेजा, नोटिस में हमको 24 अवर्स का नोटिस दे रहे हैं, बोलते हमको ये तोड़ना है। क्या हिंदुत्व तो यही हिंदुत्व है हमारा? आज एक अच्छा काम हुआ है, लोग वहाँ आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, हमारे प्रीमाइसिस की वॉल पे काम हुआ है, हमने सिर्फ वॉल को पेंट किया और एक हमारी फोटो लगाई वहाँ, फ्रेम लगाया जो, आज उसकी हमारे साथ इतनी दिक्कत आ रही है, BMC के ऑफिसर आ रहे हैं 13 नंबर वार्ड के, हर दिन आ रहे हैं, 2 दिन से हमें धमकाया काम बंद कर दीजिए, आज तो हमको नोटिस भी कर दिया कि काम बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग आके यहाँ डेमोलिशन करेंगे, ये करेंगे। तो क्या हम हमारे देश में आज हम सेफ हैं? तो आपने इसकी वजह जानी, क्या वजह थी जिस तरह से उन्होंने नोटिस भेजी आपको रोक रहे हैं इसके लिए? देखिए अभी वो सीधा बोल रहे हैं, आपने ये गलत काम किया है या जो भी किया उनके हिसाब से गलत सही, मुझे तो नहीं कुछ, हमारी बिल्डिंग की वॉल पे, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, हमारी बिल्डिंग की वॉल पे हमने फोटो फ्रेम लगाई है, हालांकि हमने कोई जगह पे जाके कुछ अनऑथराइज कोई इलीगल काम नहीं किया, वॉल को पेंट किया है, पेंट आप समझिए साफ सुथरी जगह, आज हमारे भगवान है इस देवता, वो साफ सुथरी जगह ही बैठेंगे ना, और लोगों का आना जाना, कोई हम लोगों ने कोई इलीगल काम नहीं किया। तो मगर कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह से वो रोड पर है आने वाली पब्लिक को या लोगों को कोई जी, मैं खास करके आपको बोलना चाहूंगा, वो डेड एंड रोड है, वो जो फुटपाथ है वो डेड एंड है, और आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, जो भी मैंने वहां काम किया है, आप खुद मीडिया को मैं बोलता हूँ, देखिए अगर आपको उस सेंस से लगता है कि मैंने कुछ रोड पे काम किया है, फुटपाथ पे काम किया है, तो ये सरासर गलत है। मेरा आपसे बोलना यही है कि आज हम लोग इतने ये रह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हमेशा बोलते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं हम, तो क्या आज ये हिंदुत्व है? अगर एक आदमी काम करने जा रहा है तो उसको इतना परेशान किया जा रहा है, वो जगह कितनी साफ सुथरी हो चुकी है, लोग वहां के माथा टेक रहे हैं, किसी को प्रशासन को उससे कुछ दिक्कत नहीं है, आने जाने वालों को दिक्कत नहीं है, और उसको हमारे परेशान, आप कौन हमें परेशान कर रहे हैं? जिन सरकार पे हम भरोसा रख रहे हैं कि सरकार हमारी है, हिंदुत्व की सरकार है, वो हमें परेशान कर रही है, हमें टारगेट कर रही है, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, काम रुकवाया जा रहा है, बोले काम स्टॉप कर दो। तो आप अब
समाज के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कुछ सोचते हैं, किस तरह के कार्य करना चाहिए जिससे लोगों, समाज का कल्याण हो, लोगों का हो, जिससे आपके आपके थोड़े से काम करने से लोगों को कुछ अच्छा हो सके, तो उसके लिए आप किससे किस प्रकार सोचते हैं? देखिए, मैं हमेशा सोशल वर्क में, मैं मतलब मेरी हॉबी रही है सोशल वर्क, मैं आए दिन कैंपेन लेता रहता हूँ। अभी मैंने फुल बॉडी चेकअप कैंपेन लिया था थोड़े दिन पहले, उसके थोड़े दिन कुछ दिनों पहले मैंने कुछ भोजन का आयोजन करवाया था गरीबों के लिए। तो अब आगे हम लोग का ये चल रहा है कि फ्री चश्मा वाटअप जो बोलते हैं, हमको चश्मे फ्री में देने हैं लोगों, तो आए दिन मैं सोशल वर्क करते रहता हूँ। मगर आप सोचिए, यार सोशल वर्क इतना करने के बाद लोगों को इतने, जब मुझे से आदमी को परेशान कर सकते हैं, तो आम आदमी कहाँ जाएगा हमारे भारतवर्ष में? हाँ, आम आदमी कहाँ जाएगा, उसकी क्या, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे, किस धरने पे खड़ा है? एक भगवान का काम करने में आप, ये नहीं है कि कोई आप मजमा लगा रहे हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा लगा रहे हैं या जगह को कवर कर रहे हैं। आम आदमी आज कहाँ सेफ है हमारे यहाँ, जब मुझे से आदमी को इतना सोशल वर्क करने के बाद भी परेशान किया जा रहा है, आए दिन नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, आए दिन मुझे परेशानी झेलना पड़ता है, मुझे घंटों प्रशासन में जाओ, वहाँ बीएमसी में जाओ, लाइन लगाओ, ऑफिसर हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, बस मेरा यही बोलना है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी मुंबई आए हुए थे, लोगों को एक जन सैलाब भी दिखा था और आप भी वहां मौजूद थे, जिस तरह से उन्होंने मुंबई के लोगों को लिए 500 वर्ग मीटर का घर देने की बात कही, जिसपे विपक्षी पार्टी क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं कि कैसे कर पाएंगे, तो आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुंबई के लिए जो वादे करके गए हैं राहुल गांधी जी, तो क्या किस तरह से पूरा हो पाएगा, आप कैसे देखते हैं उसे? अच्छा, मैं एक ये आपसे बोल, खास करके आपसे बोल रहा हूँ, अगर किसी का घर, गरीब का घर बनता हो तो उसमें क्या कोई परेशानी है किसी को? एक 200 फीट में अगर गरीब रह रहा है और हमारी सरकार आने के बाद कहती है कि हम 500 फीट उसे दे देंगे, तो उसमें क्या गलत है आप बताइए? एक 200 फीट में उसी में आदमी रह रहा है, उसी में आदमी किचन भी है, उसी में उसका बाथरूम है, उसका टॉयलेट है। अगर उसकी जो मेन आदमी के पास क्या चाहिए जिंदगी में, घर चाहिए और अच्छा घर चाहिए। और अगर हमारी सरकार आने के बाद अगर ये वायदे करती है कि हम उनको एक बड़ा घर देते हैं, आदमी को एक घरौंदा देते हैं, जो आदमी बॉम्बे में आता है आदमी यही सोच के, हर आदमी बॉम्बे आने के मेरा एक घर हो जाए, अगर वो घर देने का सरकार हमारी वायदा करती है तो क्या कुछ खराब करती है? किसी को हक नहीं है अच्छे घर में रहने का? लेकिन जब चुनाव आता है हर पार्टी वादे करती है, बहुत सारी बातें करती है, लेकिन उसे पूरा करती है नहीं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो आपको कितना इस बात पे बिलीव है कि कांग्रेस जो वादे कर रही है वो वादे पूरे करेगी? पहले तो मुझे 100% भरोसा है। 3 राज्यों में हमारी सरकार आई, किसान के कर्जे माफ किए गए, आप भी देख सकते हैं, जो हमारे वायदे थे वो आने के, जो वायदों की डेट थी, टाइम था, उसके पहले वायदे पूरे कर दिए गए। तो इससे तो ये विश्वास होना चाहिए जनता में कि कल राहुल गांधी जी ने हमारे जो वायदे किए हैं, हमारे प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट ने जो वायदे किए वो पूरे करेंगे। वो जब 3 राज्यों में किए तो मुंबई में क्यों नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करेंगे? और अभिनंदन जी, जिस तरह से पाकिस्तान से भारत आया है और जिस तरह से अटैक किया गया, एयर अटैक्स जो हुआ था उसको लेकर भी बहुत सारे जिस तरह से एक सबूत मांगने की बात चल रही है, और अभिनंदन जी का स्वागत हर कोई कर रहा है, तो आप किस तरह से उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, हार्दिक स्वागत कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, पुलिस है स्टेट में, हम सेफ है, मिलिट्री बॉर्डर पे है, हम चैन की नींद सो रहे हैं। तो मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ, और मुझे गर्व है अभिनंदन जी पे, और मेरे हर जो भी मेरे देश का सिपाही है उस पर मुझे गर्व है, और जो काम हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, और इसमें हम पूरा साथ खड़े हैं उनके, हर चीज़ में हम, हमारी मिलिट्री पे ना मिशक है, ना हमारी पुलिस पे मशीनरी मिल सके, ना हमारे नेवी में, हमारा पूरा विश्वास है उन लोगों में, और हमेशा पूरा विश्वास आगे भी रहेगा। और अगर हम बात करें, अगर हम पार्टी से अलग, राजनीति से हटकर बात करें, अगर हम ठाकुर जो तेल है, इस तेल को लेकर बात करें, तो किस तरह का, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, लोग अगर इस तेल के बारे में अगर लोगों को जानकारी चाहिए, तो क्या इसकी खास बात क्या होगी, क्यों इसे लोग लेना चाहेंगे, क्यों लोग इसे लेंगे? देखिए, ऐसा है, तो एक ब्रांड बन चुका है, काफी सालों से ये ब्रांड है, आज का 1-2 दिन का नहीं है, 50 सालों से ये ब्रांड है, लोगों का इसमें विश्वास है, उनको फायदे हैं, दवा के रूप में लिखे जाते हैं, कई जगह आप देखेंगे तो उसको दवा के रूप में बताते हैं आपको, जैसे आधा सर अर्थ कपारी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए फायदे है, लोगों नींद बड़ी अच्छी आती है, बाल के, उनके बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये सब जो इसकी खासियत है, प्लस ये प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है सर, चाहे चीज़ों के इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट्स पड़ते हैं, उसके जो भी रेट्स है,
वो जब भी फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते हाइट, मगर इस कभी इन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। जो कितने आए गए उस जमाने से, लास्ट 50 इयर्स में कितने आए कितने चले गए, मगर ये आज भी अपना मुकाम हासिल करके रखा है इस प्रोडक्ट ने। मतलब इसमें कुछ बात होगी, कुछ दम होगा। लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाने के लिए, उसकी एक टीआरपी बढ़ाने के लिए, कि हर लोहार कोई उस पे विश्वास करे, लोग एक सेलिब्रिटी या एक बड़ा नाम सामने लाते हैं कि वो उसका ऐड करे, तो आपने कभी नहीं सोचा कि इसके लिए भी कोई ऐसा मेरा कोई फेस हो? मेरा जो ब्रांड है वो अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी है, वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, वो किसी सेलिब्रिटी का मोहताज नहीं है, वो खुद अपने खुद उसका इतना पावर है कि खुद के बेस पे वो टिका हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ जितनी डोर टू डोर माउथ पब्लिसिटी वो मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ना कि मैं एडवर्टाइजिंग में कैंपेन में इसमें वो मैं विश्वास ज़्यादा नहीं रखता। मेरे प्रोडक्ट की एक अलग पहचान है, एक उसकी अलग मर्यादा है, और इतना पावरफुल चीज़ है वो कि उसे कोई ऐड करना, कोई सेलिब्रिटी को लेने की उसको कोई गुंजाइश नहीं होती है, ऐसी मुझे मानना है। तो ठाकुर तेल है मुंबई के अलावा और इंडिया में रहेगा, या फिर कोई एक स्पेसिफिक वो प्लेस है, वो जगह जहां पे लोग बाय कर सकते हैं इसे? नो, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आप कोई भी आउटलेट पे चले जाइए, वहां पूछिए रोगन दिमाग रोशन तेल, मेडिकल में चले जाइए, और वो आपके जो दवाखाने रहते हैं जिसपे प्रिस्क्राइब करके वो लोग देते हैं, वो सब आउटलेट पे मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया भाई।